नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी अपने अपने क्षितिज। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए अपने अपने क्षितिज। 16 मई सुबह टेबल कैलेंडर का पन्ना पलटते ही यह तारीख सुई की तरह कलेजे में चुभ गई। कुछ क्षण के लिए मैं वहीं सोफे पर धम्म से बैठ गई। पतिदेव के उठने का समय हो रहा था। रसोई में और भी 10 काम मेरी बाट जो रहे थे, पर मैं जैसे एकदम निस्पंद हो गई थी। कैलेंडर की वह तारीख नज़रों से हट ही नहीं रही थी। यही वह मनहूस तारीख थी जिसने पिछले वर्ष मेरे इकलौते भाई को छीन लिया था। मौत दबे पांव आई थी और झपट्टा मारकर भैया को ले गई थी। हम सब भौचक देखते ही रह गए थे। वैसे तो पिछला पूरा वर्ष ही बड़ा मनहूस था। जनवरी में बाबूजी नहीं रहे, पिता की छत्र छाया न रहने का दुख तो खैर होना ही था, पर बाबूजी पिछले 2 साल से कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी यंत्रणा न हम देख पाते थे न बांट सकते थे। मृत्यु उनके लिए पीड़ा से मुक्ति थी तो भीतर ही भीतर हमने भी राहत का अनुभव किया था, पर भैया का सदमा तो बर्दाश्त के बाहर था। अचानक ही सब कुछ घटित हो गया। उस काल रात्रि को वे जो सोए तो सुबह उठे ही नहीं। बाबूजी के जाने से टूट गई थी माँ। भैया के जाने के बाद वे एकदम ही बिखर गईं। अगस्त में उन्हें भी विदा करना पड़ा। बाबूजी की बरसी पर पूरा परिवार फिर एक बार इकट्ठा हुआ था। अर्पित भी यूएसए से आ गया था, क्योंकि अब सारा विधि विधान तो उसे ही करना था। तब ताऊ जी ने एक प्रस्ताव रखा था। देखो, इस बच्चे की नई नई नौकरी है, उतनी दूर से बार बार आना उसके लिए संभव नहीं होगा। छुट्टियों की समस्या रहेगी और खर्च की भी। फिर इतना बड़ा हमारा परिवार है, घर में बेटे हैं बेटियाँ हैं। सारे श्राद्ध सम्पन्न होने तक घर में कोई शुभ कार्य न हो सकेगा, इसलिए मैं सोचता हूँ कि सारे काम एक साथ निपटा दिए जाएं। पंडित जी की सम्मति मिल गई है, अब आप लोग अपनी राय बताएंगे। ताऊ जी घर में सबसे बड़े थे, उनकी बात टालने का सवाल ही नहीं उठता था। फिर यह प्रस्ताव सबके लिए सुविधाजनक था। बार बार आना हर किसी के लिए कष्टकारक था, इसलिए यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया। तीनों श्राद्ध एक साथ संपन्न कर लिए गए। इसके बाद भैया की पुण्यतिथि कब आकर चली गई पता ही नहीं चला, पर यह तारीख तो जैसे मन मस्तिष्क पर अंकित हो गई है, उसे कोई कैसे भूल सकता है। इनके बाथरूम से निकलने की आवाज़ आई तो मैं बेमन से ही उठी। चाय बनाते समय मेरे मन में वही सब चल रहा था। चाय पीते हुए मैंने कहा, आज थोड़ी देर को भाभी के पास चलते हैं। क्यों? आज 16 मई है ना, तो वे बोले। पर मेरा चेहरा देखकर दूसरे ही क्षण उन्हें जैसे सब कुछ याद आ गया। कुछ कर रही हैं क्या? करने को अब क्या है, सब कुछ तो हो गया। फिर भी मेरा मन कर रहा है कि उनके पास थोड़ी देर को हो आऊं, बहुत अकेला फील कर रही होंगी। तो एक काम करो, तुम हो आओ, मुझे आज एक कस्टमर को साइट पर ले जाना है, तो कल ले जाइएगा ना। मैं तो कभी भी ले जा सकता हूँ, पर क्लाइंट की सुविधा भी तो देखनी पड़ती है। वह मेरी तरह फ्री लांसर नहीं है, उसे सिर्फ संडे ऑफ मिलता है। बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, इसलिए फटाफट उनके लिए नाश्ता बनाया। मेरा खाने का जरा भी मन नहीं था, पर इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती साथ बिठाकर खिलाया। जानते थे बाद में मैं खाऊंगी नहीं। सोचा तो था कि इनके पीछे पीछे मैं भी निकल जाऊंगी, पर औरतों का घर से निकलना इतना आसान कहाँ होता है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सबके लिए बाइयों का इंतजार तो जरूरी ही था। निकलते निकलते 12:30 हो गए थे। गाड़ी पोर्च में नहीं थी, गेट के बाहर ही खड़ी मिली। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, आजकल पारुल भी थोड़ा चला लेती है, माँ को लेकर मंदिर वगैरह गई होगी। घंटी बजाते हुए हाथ कांप रहे थे, आजकल ऐसा ही होता है। आती हूँ क्योंकि बिना आए रहा नहीं जाता, लेकिन आने के बाद भीतर जाने की हिम्मत नहीं होती। मैंने बटन दबाया ही था कि कहकहों का एक सैलाब कानों से टकराया।
मुझे लगा मैं बेवक्त तो नहीं आ गई, पर अब लौटने की भी गुंजाइश नहीं थी। दरवाजा खोलकर अर्पित सामने खड़ा था। अरे तू कब आया? कल सुबह ही आया था बुआ, उसने पैर छूकर कहा। थोड़ा बुरा भी लगा, कल से आया हुआ है और एक फोन तक नहीं किया। पर उसने मुझे ज्यादा सोचने का समय ही नहीं दिया, बोला बुआ आओ ना, सीधे डाइनिंग रूम में ही चली आओ। उसके पीछे जाते हुए मैंने देखा कि ड्राइंग रूम के पर्दे, सोफा कवर सब बदल गए हैं। सेंट्रल टेबल पर ताजा फूलों का गुलदान सजा हुआ था। ड्राइंग रूम की सज्जा भी नए सिरे से की गई थी। मेज पर सजे पकवानों की खुशबू मेहमानों को प्रसन्न करने वाली थी, पर पता नहीं क्यों मेरा मन बुझसा गया। हमेशा सिलबिल सी रहने वाली पारुल ढंग के कपड़े पहने हुए थी। कमरे में एक और भी व्यक्ति था, सुदर्शन सा पर अपरिचित। अर्पित ने तुरंत परिचय करवाया, स्वप्निल ये हमारी बुआ हैं। बुआ ये हैं स्वप्निल रंजन, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और अब बैंगलोर में जॉब करते हैं, अहमदाबाद वाले मौसा जी के पड़ोसी हैं। अर्पित ने जो नहीं भी बताया वह भी मैंने जान लिया कि यह पारुल के लिए रिश्ता आया है और अहमदाबाद वालों ने भेजा है। घर में शादी लायक बच्चे होते हैं तो सब करना ही पड़ता है, पर आज ही क्यों? अर्पित कौन था? कहते हुए भाभी ने पूड़ियों से भरे डोंगे के साथ प्रवेश किया, पर मुझे देखते ही उनका चेहरा कैसा तो हो गया। पूड़ियां वहीं रखकर वे तुरंत भीतर चली गईं। मेरा मन हुआ कि मैं भी भीतर जाऊं, उनका हाथ बटाऊं, पर उन्होंने मुझे जिस तरह देखकर भी अनदेखा कर दिया था उससे मैंने बहुत अपमानित अनुभव किया। कोई 5 मिनट बाद वे बाहर आईं, मेरे सामने प्लेट लगाते हुए बोली, लो अंजू तुम भी बच्चों के साथ गर्मा गर्म खा लो। नहीं भाभी मैं खा कर आई हूँ। इतनी जल्दी कब से खाने लगी तुम? इनके लिए बनाया था तो मैंने भी खा लिया। फिर अर्पित ने समस्या का समाधान किया, बुआ तुम मम्मी के साथ खा लेना, तब तक तुम्हें भी भूख लगाएगी और मम्मी को अकेला भी नहीं लगेगा। हम लोगों के खाने के समय वे लोग वहीं बैठे रहे। पारुल हमें परोसती रही, हंसी मजाक चलता रहा, पर जितना मैं पारुल को जानती थी साफ समझ गई कि रिश्ता उसे पसंद नहीं है, वह सिर्फ शिष्टाचार निभा रही है। खाने के बाद हॉल में भी गपशप होती रही। ठीक 4 बजे अर्पित उठ खड़ा हुआ, माता श्री चाय बनाई जाए, तब तक हम लोग तैयार होते हैं, स्वप्निल की 6 की फ्लाइट है। मम्मी को क्यों परेशान कर रहे हो, चाय मैं बना देती हूँ, पारुल ने कहा। नो आप तैयार होकर हमारे साथ चलेंगी, अर्पित की आवाज़ में एकदम भैया का सा रौब था। पारुल मुंह फुलाकर तैयार होने चली गई। वे लोग जब चलने को हुए तो मेरा मन हुआ कि अर्पित से कहूँ मुझे चौक तक छोड़ दे, मैं वहाँ से ऑटो ले लूँगी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही अर्पित बोल उठा, बुआ हम लोगों के आने तक मम्मी के पास रहोगी ना? मना करने का सवाल ही नहीं था। उन लोगों को बाय बाय करने के बाद मैंने बाहर का गेट बंद किया, फिर घर का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा, लड़का तो अच्छा है। अब बिटिया रानी को पसंद आए तब है, आजकल की लड़कियों की पसंद भी तो अजीब है, हमें तो वे एकदम गंवार ही समझती हैं। वैसे भी तुम्हारी बिटिया का मूड आज ठीक नहीं लग रहा था, बात बात में तुनक रही थी। मैं इतना सब बोल गई पर भाभी की ओर से कोई उत्तर नहीं आया। तब मुझे भान हुआ, सोफे की पीठ से सिर टिकाकर भाभी रो रही हैं। भाभी ये क्या, तुम तो रोने बैठ गए, बिटिया कोई आज ही विदा थोड़े ही हो रही है, उनका सुबकना जारी रहा। मैंने सांत्वना में जैसे ही पीठ पर हाथ फेरा वे कटे पेड़ की तरह मेरी गोद में गिर गईं और जार जार रोती रहीं। एक आध बार मैंने उन्हें चुप कराने का प्रयास किया, फिर खुद ही चुप हो गई। सोचा मन भर कर रो लेने दो, जी हल्का हो जाएगा। मैं समझ गई थी कि रोने के मूल में बिटिया का बिझोह भर नहीं है। थोड़ी देर बाद वे प्रकितिस्थ हुई, उठकर आंचल से आंखें पोंछती हुई बोली, सॉरी अंजू पर क्या करूं, रुलाई कब से सीने में दबाए बैठी थी, बच्चों का मूड खराब हो जाने के डर से अपने को जब्त किए रही। दोपहर को तुम्हें देखा तो लगा अब बांध टूट ही जाएगा। बड़ी मुश्किल से सब्र किया, कल का पूरा दिन घर समेटने में लग गया, रात बिटिया को मनाने में गुजर गई। सुबह से काम का ऐसा चक्कर लगा है कि मुझे रोने की भी फुर्सत नहीं मिली।
मैं भी तब से यही सोच रही थी कि तुम्हारे जीजा जी ने आज ही का मुहूर्त क्यों चुना। उनका कोई दोस्त नहीं है रे, उन्हें तो शायद तारे की याद भी नहीं होगी। कल उनका किसी काम से फोन आया था, अर्पित बस आया ही था उसी ने फोन उठा लिया। सुबह अर्पित को देखकर मुझे तो आश्चर्य ही हो गया। वह आज के दिन मेरे साथ और पारुल के साथ रहना चाहता था, इसलिए बिना किसी सूचना के सामने आकर खड़ा हो गया। पल भर को तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने कहा भी कि बेटा ऐसा सरप्राइज मत दिया कर। और फिर जीजा जी का फोन आया, मैंने गाड़ी फिर से पटरी पर लाते हुए कहा। हाँ, उन्होंने फोन किया था तो अर्पित ने ही उठाया। उन्हें आश्चर्य हुआ और खुशी भी। बोले, अरे तू यहाँ है? तो मैं लड़के को कल ही भेजता हूँ, वह आजकल यहाँ आया हुआ है। तुम भी ठीक से देख परख लेना, वैसे भी तुम रहोगे तो तुम्हारी माँ को भी सुविधा रहेगी। और बिटिया रानी क्यों तुनक रही है? कहती है शादी नहीं करूंगी, भैया वहां विदेश में हैं, मैं भी चली जाऊंगी तो तुम अकेले कैसे रहोगी? कितना समझाया कि बेटे तो रोजगार के लिए घर से बाहर जाते ही हैं, बेटियां भी शादी करके ससुराल चली जाती हैं, तो माँ बाप की दुनिया खत्म थोड़े ही हो जाती है। पर मानने को ही तैयार नहीं थी। भाभी, लड़कियां अक्सर भावुकता में ऐसे निर्णय ले लेती हैं और बाद में पछताती हैं। माँ बाप को बहन के भरोसे छोड़कर भाई एकदम बेफिक्र हो जाते हैं। माँ बाप को भी फिर बेटियों के साथ रहना अच्छा लगने लगता है, क्योंकि यहाँ वे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। बहुओं के राज में उनकी स्वतंत्रता पर थोड़ी तो आँच आती है। अब तुम ही उसे ठीक से समझाना। पता है, सुबह 9 बजे तक भूतनी सी बैठी हुई थी। मैंने ही फिर हाथ जोड़कर कहा कि शादी नहीं करनी तो मत करना, पर उस भले आदमी से ढंग से मिल तो लो, नहीं तो मैं जीजा जी को क्या जवाब दूंगी? कैसे खूंखार आदमी है जानती तो हो। उनसे बिगाड़ हो गया तो हम दोनों बहनें आपस में मिलने को तरस जाएंगी। तब जाकर वह तैयार हुई है। बच्चे जब तक एयरपोर्ट से लौटे, भाभी काफी नॉर्मल हो गई थी। अर्पित ने आते ही पूछा, बुआ तुम्हें स्वप्निल कैसा लगा? मुझे कैसा लगा इससे क्या फर्क पड़ता है बेटा, पारुल से पूछो, उसे तो अच्छा ही लगा है। पता है बुआ, सुबह बाल बाल बिखराए ऐसी चंडिका बनी बैठी थी, पर जैसे ही उसे गाड़ी से उतरते देखा सारा गुस्सा काफूर हो गया। फिर जो बाथरूम में घुसी तो घंटे भर बाद बाहर निकली। इसके बाद तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं है। भाई साहब, मैं मौसा जी के डर से तैयार हुई थी, समझे? मम्मी ने बुरी तरह डरा दिया था, नहीं तो उस शख्स से बात भी ना करती। लेकिन क्यों, कारण तो पता चले। भैया, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं मम्मी को अकेले नहीं छोड़ सकती। पर मम्मी को अकेले कौन छोड़ रहा है, मैं वापस आ रहा हूं ना, मेरी पढ़ाई के 6 महीने बचे हैं, अब रिन्यू नहीं करूंगा, खत्म होते ही लौट आऊंगा। पर तुम अपने करियर का कचरा क्यों करोगे? ये किस किताब में लिखा है कि करियर सिर्फ अमेरिका में ही बनता है, हिंदुस्तान में नहीं? तो ऐसा भी किसी किताब में नहीं लिखा है कि बेटियां माँ बाप का ख्याल नहीं रख सकती? मैंने तो मिस्टर बैंगलोर से भी कह दिया है कि अगर फॉरेन वॉरेन जाने का इरादा हो तो इधर का रास्ता भूल जाए। शादी के लिए यह मेरी पहली और आखिरी शर्त है। अच्छा, और अगर कल को वह शादी करके बाहर जाना चाहेगा तो उसे तलाक दे दोगी मैडम? शादी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जहां शर्तें गिनाई जाएं, समझी? इट इज अ बॉन्डेज, होली बॉन्डेज। अर्पित का चेहरा बेवजह तमतमा गया था। भाभी एकदम दोनों हाथ उठाकर बोली, ए मेहरबानो प्लीज चुप हो जाओ, मेरे लिए किसी को भी अपना करियर, अपनी खुशियां दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। तुम लोग खुशी से अपनी जिंदगी जियो, मेरा जब मन होगा मैं तुम्हारे पास आकर रह लूंगी। इसके बाद अब मुझे अपना वहां होना अप्रासंगिक सा लगने लगा। मैंने उठते हुए कहा, भाभी अब चलूंगी, काफी देर हो गई है, सुबह यह बस थोड़ा सा मुंह उठार कर गए हैं, जाते ही मुझे रसोई में लग जाना होगा, नहीं तो समय पर खाना नहीं दे पाऊंगी। चलो बुआ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। अर्पित, रहने दो बेटा, दिन भर के थके हुए हो। पर वह नहीं माना, हार कर उसकी बात माननी ही पड़ी। गाड़ी में थोड़ी देर तो हम मौन बने रहे, फिर मैंने कहा, ये वापस लौटने का एकाएक प्लान कैसे बना लिया? एकाएक कहाँ बुआ,
पूरा साल लग गया। निर्णय लेना इतना सरल थोड़े ही था, पर अब खुश हूं इस निर्णय से। इसी बहाने कम से कम कुछ लोगों के नकाब तो उतर गए। मतलब मेरी वापसी की बात सुनते ही जयपुर वाली सुकन्या ने अल्टीमेटम दे दिया कि अगर भारत में सेटल होने की बात की तो सगाई तोड़ दूंगी। क्या बात करते हो, सच कह रहा हूं। जयपुर वाली से कहना कि सगाई तोड़ने का पहला हक तो हमारा बनता है। सगाई के बाद साल भर में एक के बाद एक तीन हादसे हो गए। रिश्तेदारों ने क्या क्या नहीं कहा, पर हमने सबका मुंह बंद कर दिया। कहा कि इसमें लड़की का क्या दोष है, ये तो हमारी किस्मत ही खराब थी। पर हमारी जगह कोई दूसरा घर होता ना तो कब से सगाई टूट गई होती। यही तो कह रहा हूँ, दादाजी के लिए तुरंत फुरत सगाई करनी पड़ी। उनके कारण आनन फानन शादी भी हो जाती तो तब अगर मैं वापस आता तो क्या वो मुझे तलाक दे देती। मुझे याद आया अभी थोड़ी देर पहले एकदम विपरीत संदर्भ में उसने यही बात पारुल से कही थी। इसका मतलब है कि यह बात उसके अवचेतन में गहरे घर कर गई है। मैंने कहा, देखो बेटा, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में मत लेना, यह जिंदगी भर का सवाल है। और अभी तुमने देखा भाभी ने कितनी दिलेरी के साथ कहा कि वे अकेली रह लेंगी। फिर हम लोग भी तो हैं, हम उन्हें अकेला थोड़े ही छोड़ देंगे। फिर भी बुआ, मैं उस लड़की से शादी नहीं कर सकता जो जरा सी बात पर शादी तोड़ने पर आमादा हो। उसके लिए मेरा व्यक्तित्व, मेरी उपलब्धियाँ, मेरा परिवार कुछ नहीं है। मेरा NRI होना ही उसके लिए महत्व रखता है। तो मैं इस किस्से को ही खत्म कर देना चाहता हूँ। मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ ताकि उन्हें संबंध तोड़ने का मौका मिले। अगर उन्होंने जोर डाला तो मैं शादी के लिए मना थोड़े ही कर रहा हूँ। बस मैं अपनी माँ के लिए देश में रहना चाहता हूँ। जिसे रहना है मेरे साथ सुख से शौक से रहे, यह मेरा निर्णय है। और अब उसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरा घर आ गया था और अब बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।